कुछ है इरादा साथ जाने का? साथ में जाने का इरादा है? नो का क्या मतलब हुआ? शादी क्यों बनाई थी जब नहीं साथ में रहना है तो? ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हो 16 साल से, किसी कोई मतलब है इस जीवन का? वो आपको साथ रखने को तैयार है, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंड तुम्हारा है तो इसमें कोई रीजन नहीं है कि तुम शादी के बाद ना तो डिवोर्स ले रही हो और ना साथ रह रही हो। ये तो गलत बात है, ना साथ में रहना ना डिवोर्स देना, ये जिद वाली बात है। और जिद की जगह कानून में कहीं नहीं है। आप जिद करोगे तो यू विल नॉट गेन एनी सिंपैथी ऑफ द कोर्ट। शादी कब बनाई आपने? और अलग कब से रह रहे हो? 7 साल से अलग रह रही है, ना तो तलाक दे रही है ना साथ रहने के लिए तैयार है। तो आपने तलाक के लिए अर्जी लगाई? लगाई थी, लेकिन उसमें राजीनामा करा लिया, फिर लोक अदालत में नहीं आई है साथ में, फिर भी साथ में नहीं रहने के लिए तैयार हुई। क्या करते हैं आप? बिजनेस है सर। काहे का? कपड़े का है। कहाँ पर? पहाड़ी जिला धौलपुर, राजस्थान में। आप कहाँ की है? मुरैना एमपी। तो कुछ है इरादा साथ जाने का? साथ में जाने का इरादा है? नो का क्या मतलब हुआ? शादी क्यों बनाई थी जब नहीं साथ में रहना है तो? लॉन्ग टाइम हो गया, इश्क नहीं आज हो गया। हाँ तो कुछ करो फिर, रिजॉल्व करो मैरिज को। आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हो जाए। भाई एक काम करो ना, या तो साथ में रहो या शादी खत्म कर दो। कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है सर। तो क्या कॉम्प्रोमाइज करे भाई? मीटिंग में रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आज की तारीख में ये फर्स्ट एमए किसी लगाई आपने? ये फॉर कस्टडी ऑफ द माइनर सन। ओहो, नाउ ही इज अबाउट 13 इयर्स ओल्ड। सन इज विद हर? 15 इयर्स। सन इज विद हर? यस। तो मुरैना में पढ़ रहा होगा। नाउ टाइम आईआईटी प्रिपरेशन इन गोवा। अच्छा, यहाँ पढ़वा रही हो? यहाँ सर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ अच्छा, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। थोड़ा अपने को भी कुछ पढ़ा लो। कितनी पढ़ी लिखी हो? ग्रेजुएशन किया था। किस सन में किया था? 2003 में। तो कुछ तो पढ़ाई का फायदा उठाओ। ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हो 16 साल से, किसी कोई मतलब है इस जीवन का? वो आपको साथ रखने को तैयार है। अरे 10 times 20 times ये जो आप बात करते हो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप रहने को तैयार हो साथ मिलके? हाँ तो आप जाओ साथ में आज, अगर आप तैयार हो तो जाओ साथ में। जाइए ना आप, तैयार है ले जाने के लिए आपको। 3-4 वीक जाके देख लें, ये पेंडिंग रहेगा। आप एक बार होके तो आओ सर, 10 times में। अरे मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, हम लोग बैठे ना, कौन सा केस खत्म कर रहे हैं हम अभी यहाँ पर। आप जाकर जाओ वहां पे रहो कुछ समय के लिए, फिर देखते हैं। ऐसी कौन सी समस्या इस दुनिया में है जो बातचीत से सुलझ नहीं सकती? बातचीत तो करो। 10 years से बातचीत, फिर वही बार वही पुराना रिकॉर्ड, 10 years 10 years, ये कौन सी बातचीत हुई? There can be change of hearts, अब मिलो तो मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। कितनी चीज संभलती उन चीजों से, सबसे बड़ा हीलिंग फैक्टर समय होता है। इतना समय निकलने के बाद हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि आप दोनों एक हो जाओ। अब कुछ तुम्हारे दिमाग में और फितूर चल रहा हो दीगर बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंड तुम्हारा है तो इसमें कोई रीजन नहीं है कि तुम शादी के बाद ना तो डिवोर्स ले रही हो और ना साथ रह रही हो। सर डिवोर्स के लिए अप्लाई किया? कहाँ किया है? अप्लाई इन्होंने किया था, फिर इन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनकी बात मत करो, हर चीज उनके ऊपर मत डालो। मैं आपके बोनाफाइड्स पे बात कर रहा हूँ। डिवोर्स का भी हमने बोला था सर, मीटिंग के थ्रू, कोर्ट के थ्रू नहीं। हाँ मीटिंग, तो आपको रहना ही नहीं, बताओ पक्की बस एक बात बताओ। विल रिजॉल्व द मैरिज हियर ओनली, रिमूव एन एप्लीकेशन।
Now Supreme Court says that we can resolve it also. Alimony karke khatam kariye usko. If she is not interested, let him also lead a happy married life. कि कब तक राजस्थान से आता रहेगा और इस प्रकार की नॉनसेंस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा। ये तो गलत बात है, ना साथ में रहना ना डाइवोर्स देना, ये जिद वाली बात है। और जिद की जगह कानून में कहीं नहीं है। आप जिद करोगे तो यू विल नॉट गेन एनी सिंपैथी ऑफ द कोर्ट। गिव मी वन गुड रीजन व्हाई यू शुड नॉट लिव विद हिम। एक सही कारण बताओ। जब कह रहे हैं आपसे एक बार जाओ साथ में रहो उसके साथ में, लेकिन नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कहने पर मैं पहले गई थी। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, पुराना रिकॉर्ड बंद कर दो, नया लाइफ बीट करना है। अगर पुरानी पुरानी चीजों के ऊपर तुम चलती रहोगी तो कभी जीवन में तो सुखी नहीं रह पाओगी। आगे बढ़ना है तो पुरानी चीजों को बैड ड्रीम समझ भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। न तो लड़ते रहोगे जिसका कोई अंतर नहीं है। फिर लड़का बोल देगा हमें बाप के साथ जाना है या माँ के साथ जाना है, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन उस आदमी को कम से कम फ्री तो करो। ये तो जाती है ना, वो तैयार है जाने के लिए, आप तैयार नहीं हो। 10 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये, तो उसी कहानी भी चल रही। जाना है क्या? जल्दी बताओ, नहीं जाना तुमको तो। एनीवे यू सी द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड देन इफ पॉसिबल विल रिजॉल्व द मैरिज, इफ पॉसिबल। You have to satisfy the court. Sir. Next time उनके बच्चों को बुलवा लेते हैं यहीं पर हम। चलिए, श्री सो एंड सो फॉर द पिटिशनर अलॉन्ग विद द पिटिशनर, श्री सो एंड सो रिस्पॉन्डेंट अलॉन्ग विद रिस्पॉन्डेंट। दिस एम ए इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट डेटेड 19/5/2017 declining the custody of child son born out of wedlock on son born on 13th June 2007 while rejecting the application on section 25 under section 6 and 13 6 and 13 of the Hindu adoption and Hindu minority guardianship act on so and so date under the orders of this court dated 4 July 2022 both appellant and respondent are before this court. It's a peculiar situation. On the one hand, the husband is prepared to live with the respondent wife, but respondent wife apparently, for no justifiable reason, does not want to live with him. It is noteworthy that either party so far has not applied for dissolution of marriage under Hindu Marriage Act. So it's over 16 years since the time they were married, and over 9 years they are alag reh rahe hain. 8 years they are living separately. Be that as it may, let master क्या नाम बच्चे का आयुष remain present before this court. The respondent wife is directed to ensure presence of master आयुष before this court on the next date of hearing. लेके आइए उसको, आप बच्चे को यहाँ पर कब बुलाना है इनको, 27 जुलाई। आप भी आइएगा। एम एस गुप्ता, यू डू सम रिसर्च एंड इफ दिस पॉसिबल विल रिजॉल्व द मैरिज।